नमस्कार, सभी हीलर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि जब जब आपको लगता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, आप हमें सजेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज डाल करके क्लियर करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे हीलर्स का एक क्वेश्चन बार बार आता था कि मैम, एक हीलर चार पांच अपने हीलर्स को जो उनके पेशेंट हैं उनको कैसे क्लींज करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे हीलर्स की हीलिंग के लिए उनकी सारी डिटेल आती है, तो उनका भी इसी तरह का क्वेश्चन था कि सामने से हम कैसे उनको क्लींज करें या डिस्टेंस क्लींजिंग कैसे करें। जैसे डिस्टेंस क्लींजिंग करना है अपने परिवार का या अपने सभी उन क्लाइंट्स को जो आपसे हीलिंग ले रहे हैं, तो उनकी डिटेल आप ले लेंगे और अपने सामने रख लेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही होगा जो अभी मैं करूंगी आप लोगों के सामने। तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि हीलिंग करने से पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो भी आपने पहना है, जैसे कि मैंने देखिए रिंग पहना है मैं निकाल दूंगी, और गले में मैंने जो माला पहनी मैं निकालूंगी। जितने भी यहाँ पे हीलिंग के लिए क्लिंजिंग के लिए बैठे हैं आप लोग भी निकाल दीजिए, जैसे आपने घड़ी पहनी है, रिंग पहना है आपने, ठीक है, इस तरह निकाल दीजिए। क्लिंजिंग के पहले इन सबको निकाल करके साइड में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी ब्लॉक ना करे इसके लिए निकाल करके साइड में रख देना है, ठीक है। तो अभी हम सभी लोगों ने जो जो पहना था जिससे कि हमारी एनर्जी ब्लॉक हो सकती है, तो ये हमें हीलिंग के टाइम पे भी करना है, क्लिंजिंग के टाइम पे भी करना है। आप चाहे डिस्टेंस हीलिंग करें या फ्रंट पर अपने हीलर्स को क्लींज कर रहे हैं या हील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं चार और एक पांच, पांच लोगों की क्लींजिंग वन टाइम में करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए 2 से 3 बार। दोनों पैरों को खुला हुआ रखना है। जैसे कि अभी प्रियंवदा जी हैं तो इन्होंने क्या किया था, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था। ये गलती ना हीलिंग के टाइम पे करनी है ना ही क्लींजिंग के टाइम पे करनी है। दोनों पैर 1 फीट की दूरी पर खुला होना है, ठीक है, खुला रखिए और रिलैक्स करिए। जीभ को तालू में लगा करके आईज क्लोज करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। मन है तो बीच बीच में आंखें आप खोल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, या पूरे टाइम भी मन है तो आप खोल सकते हैं। मैं अपना आभार मानती हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानती हूँ, मैं अपने पार्टनर मिस्टर सत्यनारायण सर, प्रियमदा जी, चंदन जी, ज्योति जी एंड प्रणामी जी, प्रणामी शर्मा जी, इन सभी का मैं आभार मानती हूँ। हे प्रोफेसर मिकाई सर, मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और मैं पूरी तरह से सफेद प्रकाश से घिरी हुई हूँ, महसूस करिए, सफेद प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करना है क्योंकि क्लींजिंग आपकी होने जा रही है, एनर्जी मेरे में प्रवाहित होगी, उसी एनर्जी से मैं आपको क्लींजिंग करूंगी। रेकी में हाथों का ही ज्यादा प्रोसेस होता है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह मेरे ऊपर ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं इनको जो मैं क्लींज करने जा रही हूँ इनका मैंने स्टार्टिंग में नाम ले लिया है, अपना पार्टनर बना लिया है, और कौन सा जेशु नैन सिंबल आपको ड्रॉ करना है, सहे की चोकुरे दाइकोमियो, इन सिंबल्स को ड्रॉ कर लीजिए। टू सेट सिंबल्स ड्रॉ करना है क्योंकि मेरे पार्टनर्स भी है ना साथ में, तो इसलिए टू सेट सिंबल्स होना जरूरी है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि अपना प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाना है, तो वो आप सभी हीलर्स को ऑलरेडी पता हो चुका है क्योंकि ये हमने बहुत बार बता रखा है और आप लोगों को भी अच्छे तरह से याद हो गया है। ये सुन करके हमें अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें आपको लगभग क्लियर हो गई हैं। तो अभी मैं वन टाइम में पांच लोगों की क्लींजिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। दोनों हाथों से एनर्जी प्रवाह हो रही है और हाथों को क्लींजिंग करते समय या हीलिंग करते समय एकदम कंफर्टेबल रखना है, कफ शेप में बना के रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे सामने है प्रियंवदा जी,
तो मैं इनकी क्लींजिंग करूंगी फुल बॉडी। ठीक है, रिसीविंग मोड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड को रिसीव करने के लिए एनर्जी को बना रखा है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों हाथों से भी क्लींजिंग करने का यूज कर सकते हैं, एक एक करके सभी का भी। मैं प्रेमदा जी का क्लींजिंग की, चंदन जी का क्लींजिंग की, ज्योति जी का क्लींजिंग की और प्रणामी जी का क्लींजिंग कर रही हूँ। ठीक है, एक बार आपने नॉर्मली झाड़ू पोछा कर दिया पूरा, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए कि प्रेमदा जी हैं, इनको कुछ शारीरिक पीड़ा है और मन भारी सा रहता है, तो इनको मैं क्या करूंगी, थर्ड आई पर इनके चौकोरी सिंबल ड्रॉ करूंगी। क्लींजिंग के साइम जब क्लींजिंग का टाइम है तो सिर्फ चौकोरी सिंबल आपको ड्रॉ करना है, इनके थर्ड आई पर चौकोरी सिंबल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ करके आप इसमें वहां से जो नेगेटिव थॉट्स है, प्रॉब्लम है, दुख है, चिंता है, सब लेकर के निकाल करके सॉल्ट वाटर में डालना है। हार्ट चक्रा को भी हम ले लेंगे प्रेमदा जी के, क्योंकि इनको वहाँ भी कहीं ना कहीं मन में डर भय सब कुछ बना रहता है कि कब तक चलेगी ये प्रॉब्लम, कब तक मैं दुख में रहूँगी, परेशानी में रहूँगी, जिससे कि हार्ट चक्रा भी हमारा कई बार ब्लॉक हो जाता है, रोना आता है, दुख होता है, डर भय सताता रहता है। तो वहाँ भी चौकोरी सिंबल ड्रॉ करके क्लींज कर लेना है, फिर से एक बार और उनकी पूरी बॉडी को लेकर के क्लींज कर लेना है। चंदन जी को भी, चंदन जी पूरी तरह से रिलैक्स हैं, इनको चिंता फिक्र तो नहीं है, बहुत कम परसेंट में है कि इस प्रोफेशन को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है, तो इनको भी सिर्फ थर्ड आई को क्लींज कर लेंगे। इनकी फुल बॉडी क्लींजिंग भी हो गई और मैंने इनका एक थर्ड आई भी ले लिया। ज्योति जी हैं क्राउन चक्रा, थर्ड आई और हार्ट चक्रा, थोड़ा थोड़ा सा भारीपन कभी कभी रहता है, तो इनको भी क्लींज कर लेना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जिनको आप क्लींजिंग कर रहे हैं उनकी किडनी में अगर प्रॉब्लम है, तो इसी टाइम आप उनके बैक साइड पार्ट को भी, किडनी किडनी का जो ये पार्ट होता है, यहाँ भी आप सिंबल को ड्रॉ करके क्लींज कर लेंगे। ठीक है, प्रणामी शर्मा जी को भी क्लींज कर रही हूँ, पूरी तरह से रिलैक्स हैं, इनका ध्यान मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, पूरी तरह से ऑरा बढ़ी हुई है, तो इनका भी मैंने क्लींजिंग कर लिया, जिससे कि और ज़्यादा पॉजिटिविटी का प्रवाह हो। सर का मैं इनका भी क्लींजिंग कर रही हूँ, ऑलरेडी फुल चार्ज हैं, लेकिन फिर भी क्लींजिंग तो क्लींजिंग होता है ना, हमारे घर में चाहे जितनी भी साफ सफाई हो, हम झाड़ू पोछा डेली लगाते हैं, क्लींजिंग करने के बाद में इस तरह दोनों हाथों की सफाई आपको कर लेनी है, इसमें नमक के पानी में आपको डाल देना है। ठीक है, और एक बार आप ध्यान करिए कि जिनसे आप जिस व्यक्ति ने आपको क्लींजिंग के लिए, हीलिंग के लिए आपको डिटेल दी है, तो उसकी मुख्य मुख्य और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो उस चक्रा को भी आप ले लेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि किस प्रॉब्लम को होने से कौन सा चक्रा हमारा ब्लॉक हो जाता है, उस पार्ट पर भी आप चौकोरी सिमल डाल करके क्लींज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार हमने क्लींजिंग कर ली है उनकी मेन मेन प्रॉब्लम को फोकस करते हुए, मैं प्रियंबदा जी थोड़ी सी मेडिसिंस ले रही हैं, ट्रीटमेंट ले रही हैं डॉक्टर से, थोड़ी शारीरिक पीड़ा से जूझ रही हैं, तो मैं इनका वन टाइम में एक बार और थोड़ा सा अच्छे से क्लींजिंग करूंगी। ठीक है, कैसा लगेगा प्रियंबदा जी आपको, अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ, जा रही है। और एक बार फिर से मैं सभी हीलर्स का, जितने भी, हाँ ठीक है, और अभी मैंने सबकी वन टाइम में क्लींजिंग कर ली, इसी प्रोसेस से आप डिस्टेंस क्लींजिंग भी कर सकते हैं। उनकी सारी जितनी भी हीलर्स की डिटेल आई है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी प्रणामी जी आसाम के गुवाहाटी से आई हैं, ठीक है, और ज्योति जी हैं लखनऊ की हैं, चंदन जी हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं, प्रेमबदा जी हैं लखनऊ से हैं, सर हैं लखनऊ के हैं, तो इस तरह जगह जगह से आपके पास भी हीलिंग के लिए, क्लींजिंग के लिए डिटेल आती होगी, तो आप सामने फोटो रख करके भी इसी तरह क्लींजिंग वन टाइम में कर सकते हैं, उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लास्ट में आप अपनी भी क्लींजिंग एक बार कर लेंगे, ठीक है,
उसके बाद थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू प्रियमदा जी, चंदन जी, ज्योति जी, प्रणामी जी, मिस्टर सत्यनारायण सर जी, थैंक यू प्रोफेसर मिकाई सर, बोल करके 3 बार जैसे हमने वीडियो में बता रखा है और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनी है कि एनर्जी को कैसे लॉक करें। लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, लास्ट में क्लिंजिंग करें आप तब भी लॉक कर लीजिए, हीलिंग करना है तब भी। अगर आप कंटिन्यू क्लिंजिंग बाद तुरंत हीलिंग करना है तब तो आपको तुरंत लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में आपको एक बार जैसे अभी मैंने सबका क्लिंजिंग किया ना, तो हम एक दूसरे की ओर से कनेक्ट हो जाते हैं, नाभिक हमारा नाभि जो कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इसके लिए अपने राइट हैंड को सामने लाएंगे, अपने फेस के ऊपर लाएंगे और ऊपर से नीचे झटके से 3 बार लाना है, कट करना है आपको, कट 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 3 से 4 बार कर सकते हैं। थैंक यू बोल के आपने लॉक कर दिया और आपको बोलना है, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो क्या बोलना है, आज आप सभी की क्लिंजिंग हो चुकी है, अब आप उठिए और यहाँ से जाइए। जब कभी आप क्लिंजिंग कर लेंगे चाहे सामने डिस्टेंस पे, तो तुरंत जैसे मैं हूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं कि अभी मैंने क्लिंजिंग कर लिया, प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब मैं तुरंत उठूँ यहाँ से जाऊँ, ऐसा मुझे भी नहीं करना है। और आप सबकी भी अभी क्लिंजिंग हुई है तो ऐसा नहीं कि तुरंत झटके से उठें और जाएं। जब भी हम हीलिंग करें, क्लिंजिंग करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, तो कभी भी हमें तुरंत वो आसन छोड़ के नहीं हटना है। जैसे अभी शक्तिपात का सेशन हुआ था तो चंदन जी पूरी तरह से रिलैक्स किए, उसके बाद बाहर आए तब अगला प्रोसेस हुआ, ये एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। थैंक यू।